बच्चों को माथे पे तिलक लगाया करो मेरी माँ, बच्चों को रोज भगवान को नहलाकर, सालिग्राम भगवान को, लड्डू गोपाल जी को नहलाकर उनका चरणामृत बच्चों को पिलाया करो, और बच्चों को भोग लगाया, बच्चों को भगवान को भोग लगा कर ही, तुलसी का पत्ता डालकर ही बच्चों को टिफिन बनाओ, नाश्ता दो। बिना भोग लगाए आप अमृत भी दोगे तो वो व्यर्थ है। इसलिए जो भी बच्चों को बनाओ, स्कूल जाते हैं बच्चे, टिफिन तैयार करो, तो पहले उसका भगवान को क्या लगा दो, भोग लगा दो, भोग लगाओ। आजकल हमारी माताएं बच्चों का टिफिन बना देती हैं बिना नहाए, बिना नहाए टिफिन तैयार कर दिया माँ ने, अब वो भोग कैसे लगाए, बिना नहाए का भोजन बना दिया। मैया आपके घर में तो नहीं बच्चों को बिना नहाए टिफिन बनाती हो? जैसी राखो शुद्धि वैसी बने बुद्धि। इसलिए सवेरे सबसे पहले अपनी क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करना चाहिए। स्नान कर लो, जल्दी से बच्चों को टिफिन बनाओ, सवेरे स्कूल जाते हैं बच्चे, टिफिन बनाओ, जो भी पूरी बनाओ, पराठे बनाओ, जो भी बनाओ, पहले भगवान जी को भोग लगाओ, तुलसी का पत्ता डालकर भोग लगाओ, भगवान को समर्पित करो, और वह भोग भगवान को लगाकर फिर टिफिन में रखो, फिर वह प्रसाद बन जाएगा। तुम्हारे बच्चे प्रसाद खाएंगे तो बुद्धि निर्मल रहेगी। बच्चों को थोड़ी देर राम जी की कहानी सुनाया करो, भगवान कृष्ण की कोई कथा सुनाया करो। तुम ना सुना पाओ तो टीवी पर 10 मिनट 20 मिनट ही सही कथा सुनवाने का अभ्यास बनवाओ। 2:30 से 6 बजे तक रोज कथा आती है, 10 मिनट सुने, 20 मिनट सुने, ज्यादा ना सही थोड़ा सुने, पर सुने, थोड़ी ही कथा सुने पर सुनने का अभ्यास बनवाओ। और बिना नहाए तो बच्चों को टिफिन मत बनाना, बिना नहाए रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए। रसोई में माता अन्नपूर्णा का वास होता है, इसलिए रसोई जितनी शुद्ध अवस्था में आप रहेंगे। अच्छा, रसोई में सबको भी नहीं घुसने देना चाहिए, रसोई भी मंदिर से कम नहीं होती, रसोई भी एक प्रकार का मंदिर है भाई। भोजन ही तो सब कुछ है, आप कमाते किसके लिए है, खाने के लिए, भोजन के लिए। और भोजन जितना शुद्ध होगा, हमारी बुद्धि, हमारा मन, विचार उतने शुद्ध होंगे। इसलिए रसोई में कोई भी ना घुस जाए, कोई ना, सबकी एंट्री ना रखा करो रसोई में, शुद्ध अवस्था में कोई भी ना जाए। आप जाएं, शुद्ध अवस्था में जाएं, नहा धोकर जाएं, पवित्र अवस्था में भोजन बनाएं, और भाव यही रहे कि हम भोजन भी भगवान के लिए बना रहे हैं, ये भाव से भोजन बने। आजकल तो आप लोग चप्पल पहन के बनाते हैं भोजन, क्यों रसोई में कांटे बिछा रखे हैं? कांटे आपके पति ने कांटे बिछा रखे हैं बबूल के, तो आपको चप्पल पहनना पड़ता। रसोई उतनी ही शुद्ध हो, उतनी ही पवित्र हो, जितना शुद्ध और जितना पवित्र आपका मंदिर है। रसोई मंदिर से कम नहीं है मेरी माँ, रसोई से ही, भोजन से ही आपकी, हमारे अंदर विचार आ रहे हैं। यदि हमारा पेट भरा है तो अच्छे विचार आएंगे, अच्छा अन्न खाया अच्छे। यदि हम 4 दिन से भूखे हों तो कोई अच्छे विचार आएंगे? उठने की भी शक्ति रहेगी, बोलने की भी ताकत रहेगी? आज हम बोल रहे हैं, आप देख रहे हैं, अन्न ना खाइए 4 दिन, जरा देख लीजिए, ना खा के ना देखने की ताकत रह जाएगी, ना उठने की। मतलब आपके शरीर में जितनी भी शक्ति है वह भोजन से प्राप्त होती है। तो भोजन जितना बढ़िया होगा आपको शक्ति उतनी बढ़िया मिलेगी, उतनी शुद्ध मिलेगी। और जितना गंदा आप खाएंगे भोजन उतना। भोजन शुद्ध कर लो मेरी माँ। हमारी माता इतनी आलसी होती हैं, रात को आटा बचाया, फ्रिज में रख दिया, उसी आटे की सवेरे रोटी बना ली।
बासे आटे की रोटी नहीं बनाते, आटा बचा के नहीं रखते। माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं। दरिद्रता का वास होता है, दरिद्रता आती है। और सही बताएं, रात भर में आटा खराब हो जाता है। आपने फ्रिज में रख दिया, ठंडक के कारण पता नहीं चल रहा है, महक नहीं रहा है, पर वो खराब हो गया है। आपके घर में अन्नपूर्णा माता, लक्ष्मी माता नहीं आएंगी यदि आप ऐसी गंदी हरकत करेंगे तो। कई लोगों के घर में रात्रि के जूठे बर्तन पड़े रहते हैं, रसोई बिल्कुल फैली रहती है। सोने के पहले रात को रसोई साफ करके सोया करो, बर्तन बर्तन धुल लिया करो। काम वाली बाई के भरोसे ना बैठे रहा करो, तुम भी कुछ कर लिया करो, कुछ तो धुल लो। जूठी थालियां तो ना रहे, चलो कढ़ाई बाई धुल लेगी, पर जूठी थालियां तो तुम धुल के रख दो। चलो ना धोलो तो पानी ही डाल दो, जूठा ना अलग हो जाए, वो रख लो। रात भर रसोई तुम्हारी जूठे बर्तनों से भरी है। कहते हैं जब हम सो जाते हैं ना, तो माता लक्ष्मी घर घर भ्रमण करती हैं, देखें तो भक्त कैसे रहते हैं, किन की रसोई अच्छी है, कैसा है। रात को भगवान विचरण करते हैं, मुआयना करते हैं भक्तों का, देखें तो क्या होता है, कैसे रहते हैं लोग। इसलिए जैसी राखो शुद्धि, वैसी बने बुद्धि। रसोई साफ सुथरी होनी चाहिए, रात को जूठे बर्तन रसोई में ना पड़े रहें, या फिर बर्तनों का अलग स्थान बनाइए तो वहां इकट्ठा करके रख दीजिए, रसोई से अलग। रसोई बिल्कुल आपकी साफ होनी चाहिए, जहां भोजन बनता है। आटा रात्रि का यूज ना किया करो, उतना ही आटा लगाओ जितना रोटी बना लो। रोटी बच गई तो कोई बात नहीं, सवेरे गौ माता को खिला दो, बुराई नहीं है। चलिए, ये नारद जी कहते हैं कहीं शांति नहीं, गृहस्थों के घर शांति नहीं। अच्छा, गृहस्थों के तौर तरीके अच्छे नहीं है इसलिए उनके घर शांति नहीं।